time. मैम कुछ अलग पोज थैंक यू नेक्स्ट ओके डन Thank you so much. You ever ask? Yeah. Make like a.
bites, but it will be after the event, so that's fine. Just a second. One more. फोटो को बुलाना चाहिए था ना. या टेक टेक द एंटायर थिंग. या वेट अ सेकंड. या स्माइल जस्ट अ सेकंड. इन्हें हटो जरा. कोई भी नहीं है कि सब फोटो नहीं. हाँ जाइए. Cocktail party, yes. So and that I find so hot. That's a saree. That's a saree. I've draped it in a different way. So, but it's supposed to be draped. So then, how do the pleats? Acha, you've done the pleats. Proper pleats. Niharika. अरे वहाँ पे मानना है. फुल माल उधर से फुल मानना. बस रुकना इनके इनके साथ पान. Done. Thank you. Thank you.
प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली इट्स मानसी लेले कलेक्शन, इट्स अ न्यू कलेक्शन, आई सी ब्लू कलर एंड वो हमेशा ब्राइडल फ्लोरल एंड ईजी टू वेयर बट वेरी सब्लाइम एलिगेंट कलेक्शन बनाती है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू वेयर हर कलेक्शन बिकॉज एक तो ये मेरी फ्रेंड है, बहुत प्यारी है और इसके कलेक्शन को मैंने हमेशा पहना है, मैंने उसको US में भी पहना है एंड मेरे टोटल धमाल के प्रमोशंस के टाइम पे भी पहना है, तो आई रियली लव हर फॉर सपोर्टिंग मी दैट वे एंड आज भी इस पॉप अप पे यू नो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई मेक हर रियली प्राउड एंड सो आई वोर दिस थिंग एंड शी कैन टेल यू मोर अबाउट माय आउटफिट। ओके मानसी, आप बताइए कलेक्शन के बारे में कुछ जानना चाहिए। सो द कलेक्शन नेम इज मिडनाइट सॉयल, इट वॉज लॉन्च्ड इन दिस फेस्टिव सीजन, सो हियर जस्ट फॉर पर्निया पॉप अप शॉप आई हैव डन दिस कलेक्शन। इट्स ऑल अबाउट ब्राइड्समेड्स एंड ट्रूजो पीसेज एंड बेसिकली वेडिंग ट्रूजोस एंड आई कुड थिंक ऑफ निहारिका एज द बेस्ट म्यूज फॉर माई कलेक्शन। एज यू कैन सी दिस आइस ब्लू रियली लुक्स ऑसम ऑन हर एंड द फ्लावर्स आर द डिटेल्स दैट कम आउट। So it's all festive wedding season collection and I'm very happy that she's here today. Okay, well, what was the inspiration behind your collection? So basically inspiration are like best friends getting ready for their wedding, for one of their best friend's wedding. So it's basically, as you can see the shoot, so it's done, it's for best friends who are like getting ready for their wedding. So it's done with a very, very, very near and dear collection. So it's lots of bridal colors, there is coral, there is peach, there is off-white. So pastel, that's how you can see. Pastel is my favorite color. And that's why I love her, because I love wearing pastel colors. Like they really bring out your skin tone. बहुत कम्फर्टेबल है, हमेशा लाइनिंग देखी जाती है तो ऑन द स्किन इट फील्स रियली रियली स्मूथ और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इट शुड लुक वेरी फन एंड इट शुड लुक एलिगेंट एंड इट शुड लुक के यू आर हैविंग अ गुड टाइम यू नो। एंड जैसे उन्होंने कहा ब्राइड्समेड्स भी के लिए भी उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है और फॉर द ब्राइड ऑल्सो। सो अभी शादी का तो सीज़न आने ही वाला है, तो आई जस्ट होप दैट यू ऑल कम एंड शॉप एट मानसी लेले एंड शी इज़ द मोस्ट हेल्पफुल एंड द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिज़ाइनर आई हैव एवर मेट। ओके नारिका, अगर आपकी अगर बात करें तो पर्सनली आपको किस तरीके के आउटफिट्स पसंद हैं और शादी के कलेक्शन की अगर बात करें? जैसे मैंने कहा मुझे पेस्टल्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, पेस्टल पिंक, पेस्टल ग्रीन, पेस्टल येलो, पेस्टल वेल देयर इज़ नो पेस्टल वाइट बट यू नो लाइक आई लाइक लाइट कोरल्स, आई लाइक लाइट कलर्स एंड आई लाइक इट बिकॉज दे रियली ब्रिंग आउट माय शेड इन माय टोन, सो दैट्स व्हाट आई प्रेफर। आल्सो आई फाइंड इट सिंपल, आई डोंट लाइक रियली झटाक लाइक वेरी लाउड कलर्स, दैट्स नॉट माय टेस्ट, सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस कलेक्शन। ओके, जिस तरीके से आपने कहा कि वेडिंग सीजन भी आने वाला है, सो इसके लिए अगर कोई तीन टिप्स अगर आप जो देना चाहें आपके फैंस को शादी के लिए या शादी के टाइम पे कपड़े पहनने के लिए? अगर आप दुल्हन हैं तो यू हैव टू मेक श्योर यू स्टैंड आउट एंड मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग समथिंग विच यू फील कम्फर्टेबल इन बट विच ऑल्सो मेक्स यू फील लाइक द प्रिंसेस ऑफ द डे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आई वुड सजेस्ट इज ट्राई न्यू कट्स, न्यू पैटर्न्स। मानसी लेले के कलेक्शन में भी यू विल ऑलवेज फाइंड ग्रेट कट्स, यू नो लाइक द वे वेयर शी पुट्स हर बटन्स इज रियली इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग। तो मेक श्योर यू हैव सम न्यू एजी कट्स टू योर यू नो आउटफिट। और मैं यही कहूँगी कि इट शुड बी समथिंग विच यू फील कम्फर्टेबल सिटिंग डाउन इन, क्योंकि बहुत बैठना पड़ता है शादी के टाइम पे, तो कहीं पे भी बैठो, मंडप के टाइम पे भी हम लोग ज़मीन पे बैठते हैं, तो इट शुड बी कम्फर्टेबल टू ऑल्सो ड्रेप अराउंड यू। तो इतना फ्लो होना चाहिए आपके आसपास कि आप बैठो भी तो आपके आसपास फ्लो बन जाए। ओके मौसी, आप क्या वेडिंग फैशन टिप्स देना चाहेंगी? सो व्हेन इट कम्स टू माई ब्राइड्स एंड ब्राइड्समेड्स, दे आर वेरी सिंपल, बी सिंपल, बी योरसेल्फ, बी वेरी कम्फर्टेबल इन व्हाट यू वेयर। So I make my clothes are very lightweight and they're fun. So that's all my whole concept is. Indo Western fun for wedding. Thank you. Thank you. Thank you. Hey Talia baja do yaar, I'm going to get Hindi now. Oh, she knows. She knows what to do.
have competition. Arey wah! Come on, guys, put your hands together. Strike a pose towards the air. I need a good pose. Model for hair, because actually look like she walks and she's like, "Mere ke, shh, aap bhi le sakte hain." Let's give them both a round of applause. Yes. So let's find out who our winner is. Let's clap for contestant number one. Okay. Contestant number two. You have fans. She's ready for the speech. I'd like to thank my mummy, my daddy, and world peace. Alright, but you know, I think the people are amazing at this show. So we will give both of them a prize for being amazing. Yes, give them a round of applause. Thank you so much for being an amazing sport. We will have the prizes given to you backstage in a few minutes. Give them a round of applause. Oh, we have it here. Fantastic. There you go. There's your prize. There you go. Thank you very much. Thank you so much for being a great sport. Thank you. Give them a round of applause. I don't need to help you down. Huh? Okay, I need to. Okay. Thank you. So, before we move on to our first show, I just want to check, how many people love the British accent here? Any British people here? Anybody from London, UK? You help her. Acha, okay. Good. आप लोग इतने स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हैं? Is it me or they looking stressed? Can you help me, guys? They're looking stressed. थोड़ा ना? You're not. So if I play this quick game with you, you'll be fine. Yeah, yeah, yeah. Okay. So I am going to give you four words from this evening, and you have to come up with a marriage proposal one more time. ऐसे मत देखो आपकी शादी हो चुकी है. I must remind you. I like you. You're like फिर से इसी को. Do you have any other options? Nahi hai sir. That's not that kind of show. Okay, so I'm gonna give you four words. Okay, actually, let me. You know what? I'm gonna give you. Yeah. Okay. So can I give you a first word? Let's go to the audience. Let's have some words from the audience. Give me a word that they can use in a proposal. That should have nothing to do with the proposal. Shopping. Great. What about you, buddy? Give me a word. Give me a word. Dogs. No, is that how you feel about me, or you're giving me a word? Right? He looks at me like dog. Okay. Good luck. Yeah, we don't want standard love, kiss and all. We want dogs. Very good. Let's go here, sir. Give me a nice or give me a fun word they can use. So we got shopping dog. It's a family audience. Please behave yourself. Yeah. There you go. Guys, give them a round of applause. This is completely unplanned, huh? Yeah, I'm just dying to be here. Farah. Wait, did you forget her name just now? you went Farah Nathana. Farah. I love you. मैं घर चले जाऊँगी. तुम लोग आप लोग अपने ही चल रहा है. No, where are the words? फिर से फरा ऐसे क्यों हाथ पकड़ते हो ऐसे कस के क्यों हॉस्टेज सिचुएशन नहीं है सर क्या शॉपिंग करेंगे रिंग एंड आई लव मेकअप डॉग Should I call Arnab here? Because this is becoming a debate right now. No, how could you say dog? The nation wants to know. One more word and we're good. He's scared of dogs. So we need to get him, okay? Sir, may I tell you? Give him a round of applause. Guys, it's completely unplanned. Huh?
and you were very nervous, I apologize. But I think I've seen a lot of proposals in my life. मैंने बहुत देखे हैं. Immortal in the land of the beloveds. Such merciful act has immortalized you.